हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल। इससे पहले सुमित आता है, हम फटाफट वीडियो बना लेते हैं और ये आ गया। हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल। इसने वैसे मुझसे पहले शुरू कर दिया बट कोई ना। तो आज हम फिर से लेके आए हैं, पर उससे पहले हमने चैनल को सब्सक्राइब किया है। किया है? सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तभी तो कुछ काम बनेगा, तभी काम चलेगा। तो फटाफट करो, डोंट बी लेजी। पिछली बार भी कहा था, यहाँ पे बटन आ रहा होगा, उस पर फटाफट क्लिक करो। हाँ मतलब एक सेकंड लगेगा, अभी क्लिक कर दो। तो शुरू करें? करो। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जितने भी लोग जो भी अपना पीआर का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिया से कर रहे हैं या फिर वो कनाडा आ चुके हैं, कनाडा तो कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे चाहे बैठ के अगर उन्हें अपना पीआर का फाइल लगानी है, तो उसके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और फर्स्ट स्टेप है, वो है आईएलटीएस एग्जामिनेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएलटीएस की, है ना। आईएलटीएस दो तरह की होती है, एकेडमिक और जनरल, पर हम आज बात करेंगे सिर्फ जनरल की, जो पीआर के लिए रिक्वायर्ड है। हालांकि आईएलटीएस का जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन से प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, और दूसरी बात आप इंडिया से कर रहे हो या कनाडा में अगर आप ऑलरेडी किसी वीज़ा पे हो उसके बाद कर रहे हो, तो उसमें स्कोर की रिक्वायरमेंट थोड़ी लो हो सकती है, बट द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इज गोइंग टू रिमेन द सेम। और इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा स्कोर ले सको दैट इज़ बेटर फॉर यू। पर हाँ, अगर आप डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको 8777 लेना पड़ेगा, और 8777 से क्या मतलब है वो अब हम आपको बताते हैं। तो अब आईएलटीएस में अपने चार मॉड्यूल्स होते हैं, एक होता है आपका स्पीकिंग, फिर लिसनिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग। तो अब जो सबसे ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं लिसनिंग में, यानी कि 8 बैंड, और बाकी तीनों में आपको चाहिए होते हैं 7 बैंड्स। अब ब्रीफली इनका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिसनिंग की। अब लिसनिंग में ओवरऑल 40 क्वेश्चन होते हैं और वो चार पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो है ना, फर्स्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, फिर ऐसे जैसे जैसे पार्ट बढ़ते जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाती है। अब लिसनिंग में हमारे साथ क्या हुआ? अब लिसनिंग में जो है, तो सुमित का तो फर्स्ट टाइम हो गया था, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था जो कि मुझे एग्जाम देते टाइम पता चल गया था, वो ये था कि मैंने एक क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिया था। वो आपको तभी फील आ जाता है, मुझे भी आ गया था, मुझे पता चल गया था कि इस एक क्वेश्चन के कारण अब मेरा 8 नहीं आने वाला, और जो वही हुआ मुझे मिला था 7.5। हालांकि बाकी तीनों मॉड्यूल्स में 7 आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पूरा एग्जाम रिपीट तो करना ही पड़ेगा। अब इसकी जो प्रैक्टिस की थी हमने, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हार्श की थी, क्योंकि है ना लिसनिंग के हम इतने यूज टू नहीं थे। मेरा तो ये था कि चलो मैं शुरू से थोड़ा सा ना हॉलीवुड मूवीज़ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था, तो मैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंट था सुनने में, पर शिखा उतना फ्रीक्वेंट नहीं थी। बट इसने है ना अपनी प्रैक्टिस कैसे की थी, अब आपको ऑनलाइन जो है ना स्पेशली यूट्यूब पर बहुत सारी लिसनिंग ऑडियोज मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। अब उसमें क्या होता है, आप यूट्यूब पे नॉर्मल डालो आईएलटीएस लिसनिंग प्रैक्टिस, ठीक है, तो ऑडियो आ जाएगी, आप कोई भी चला लो, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आएंगे और ऑडियो आपको बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो अपने हेडफोन्स लगाओ, क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते रहो और साथ में अपना प्रैक्टिस करते रहो। अपना एक शीट उठा लो जिसमें आप क्वेश्चन वाइज जो है अपने आंसर्स लिखते रहोगे, और उसके बाद एंड में ही वो आपको आंसर्स भी बताएंगे, तो उससे आप टैली कर सकते हो कि आपका कितना स्कोर बना है। पर इसमें जो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा वो ये है कि आप उसकी स्पीड इंक्रीज करो धीरे धीरे, पहले उसे नॉर्मल पे सुनो। जैसे आपको लगता है कि हाँ आपके है ना ठीक है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, लाइक आप 6 बैंड ले रहे हो, 6.5-7 बैंड पे आ चुके हो, फिर आप उसकी स्पीड इंक्रीज करो। यूट्यूब में तो ये ऑप्शन होते ही है, आप पहले उसे 1.25x करो, फिर 1.5 करो, हमने इवन 2x तक भी उसे किया हुआ है, और उसमें भी हमने आखिरी तक अपना अच्छा स्कोर ले लिया था। एक सेकेंड, तो वो सब तो अड़ जाता है मेरे में। और ये आपको जो है ना, जो मेरे जैसे लोग हैं जो सिर्फ हमेशा से बॉलीवुड फैन रहे हैं, ठीक है, मैं भी बॉलीवुड फैन हूँ, मैं शाहरुख का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो क्योंकि क्या है, बोलने और सुनने में बहुत फर्क होता है। सुनते टाइम यू आर नॉट यूज टू दैट एक्सेंट, ठीक है, तो आपको वो समझने में इनिशियली बहुत परेशानी हो सकती है कि क्या बोल गया अचानक। और इवन इसने तो वो भी कोई वेब सीरीज भी शुरू की थी थोड़ी सी। मैंने वेब सीरीज भी शुरू की थी कि ताकि मैं एक्सेंट के यूज टू हो जाऊँ, मुझको समझने के लिए दोबारा ना देखना पड़े या दोबारा ना सुनना पड़े। और इवन मैंने भी है ना एक वेब सीरीज देखी थी उस समय, ताकि मतलब ठीक है, मतलब एक एक्सेंट बना हुआ है, मतलब सुन रहा हूँ मैं, समझ भी रहा हूँ, बट ताकि है ना ऑब्वियस है, जब एग्जाम आ रहा होता है तो सबके एक बार टाटा फिश हो जाती है, मतलब आपको उतना प्रिपेयर तो करना ही पड़ता है कि आपको ऑब्वियस है कि ये महंगा एग्जाम है तो आप पैसा नहीं बर्बाद करना चाहते। तो मैंने भी उस समय काफ़ी प्रैक्टिस की थी। और ये आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी,
एक ऑडियो प्रैक्टिस डेली तो है ही है, जब आप शुरू करते हो तो आप दो भी कर सकते हो। तो हम तो कई बार ये भी करते थे कि उस पर तीन तीन कॉन्टिन्यू सुनते थे, क्योंकि है ना 20 मिनट या 25 मिनट लगते हैं एक सुनने में, और अगर आप स्पीड तेज़ करो तो वो टाइम आपका 12-13 मिनट में भी रह जाता है। तो हम एक घंटे में कई बार तीन तीन भी सुनते थे। और उसका एक और फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जब आप दूसरी तीसरी ऑडियो पे आते हो तो आप थक चुके होते हो, ठीक है, और जब आप एग्ज़ाम में भी हो गए तो भी आप आधे तो मेंटली थके होते हो, क्योंकि सिर्फ एग्जाम के नाम से थक चुके नाम से ही थक जाते हो। तो वो आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करेगा। अब नेक्स्ट आता है राइटिंग, जो कि सबसे मुश्किल पार्ट है। मतलब मेरे लिए तो ना वो ऐसा था कि मतलब एक पहाड़ चढ़ने वाला। क्यों, एक आपकी आदत नहीं होती इतना लिखने की, मतलब आप जब पढ़ाई छोड़ चुके होते हो तो आप ना हट चुके होते हो। मुझे तो इवन पंजाबी भी थोड़ी सी मुश्किल लग जाती है लिखने में। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले कि आपकी आपको आपके बेसिक्स क्लियर करने, यानी कि ग्रामेटिकल एरर तो नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ बिग नो। जब आप आपका वो स्टेज क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपको पता भी है इंडिया में इंस्टीट्यूट था हमारा और समित वहाँ पर पढ़ाता भी था बच्चों को, तो हमने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स के जो हैं वो बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, उनको ग्रामेटिकल एरर जो कि टेंसेस की मिस्टेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो स्टेज आपको सबसे पहले क्लियर करनी है, प्लीज़ अपने टेंसेस क्लियर कर लो। और जो लोग इनसे ऑलरेडी ऊपर हैं, जिनके ये बेसिक्स क्लियर हैं, अब उनके लिए बात करते हैं। आपको डेली एक ऐसे और एक लेटर लिखना ही लिखना है, कंपलसरी है, मतलब उसके बिना तो कोई काम चल नहीं सकता आपका, क्योंकि यही दो चीज़ है जो राइटिंग में आती है, एक ऐसे आता है और एक लेटर आता है। अब इसमें क्या होता है कि है ना ऐसे कोई हम ठीक है, छोटे होते हम ऐसे लिखते थे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, दिवाली का फेस्टिवल या जो भी है, मुझे तो यही याद है कि मैंने अपने टाइम यही लिखे थे, उसके बाद ऑब्वियस है याद नहीं है मुझे। पर इसमें जो टॉपिक्स रहते हैं वो काफ़ी ऐसे रहते हैं कि आप इस पे एग्री कर रहे हो या आप इस पे डिसएग्री कर रहे हो, कि आपके व्यूज़ क्या हैं इसमें। मतलब एक तरह से आपको एक छोटा सा सिचुएशन दे दिया जाता है, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, कि आप इससे एग्री करते हो या फिर आपके कमेंट्स दो या आप इससे डिसएग्री करते हो, तो उस चीज़ को भी बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो पूछा क्या गया और उसी हिसाब से आप आपका आंसर फ्रेम करो। और हमने तो इवन दो दो ऐसे भी लिखे एक दिन में, फिर उसे चेक कराते थे, फिर एक दूसरे से चेक कराते थे। और सेम चीज़ लेटर के साथ है, लेटर भी आप कोशिश करो कि एक दिन में आप एटलीस्ट एक तो प्रैक्टिस कर ही लो। इसमें जो मुझे लगता है कि हमारे लिए बेनिफिट रहा है, एक तो हम एक दूसरे को दिखाते थे अपनी लेटर से यार ऐसे जो भी हम लिखते थे। और मैंने थोड़े दिन के लिए क्लासेस भी ली थी बेसिक, एक मतलब एक महीना मैक्सिमम एक घंटे की उसमें क्लास भी गई नहीं है बिल्कुल। मतलब मुझे याद है कि उसमें भी इसका ऐसे रहता था कि कभी बारिश होगी, कभी कुछ हो गया, इसका ऑफिस भी रहता था उस दौरान, तो मुझे नहीं लगता ये इतना सीरियस होके गई भी है उसमें। पर हाँ, मतलब ये है कि आपको एक गाइडेंस मिल रही है तो चलो उससे भी काफी हेल्प हुई है। तो इसलिए आप भी क्या कर सकते हो कि अगर आप जानते हो कि आपको कोई फ्रेंड एग्जाम देने वाला है या आपके घर में ही कोई है या आप किसी को भी अपने बड़े भाई बहन पेरेंट्स जिसको भी आप दिखा सकते हो, आप उनको दिखाओ कि वो आपको असेस करके दें, ताकि आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में पता चलता रहे साथ में। तो जो इसकी प्रैक्टिस है वो हमने ना काफ़ी अलग अलग वेबसाइट से की है। अब इसमें एक आ गया कि आपका E2 लैंग्वेज आ गया, आयल्स बड़ी आ गया, आयल्स फीवर आ गया, इन सब में है ना सबके मोस्टली है ना सब कॉमन टेस्ट ही पड़े हैं, आप किसी से भी उठा लो। और जो मुझे लगता है हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प हुई है और जो हमने बहुत ज़्यादा सीरियस होके की है वो आयल्स की अपनी बुक्स हैं सारी। आप जब भी टेस्ट बुक करोगे तो एक तो आपको फ्री में बुक घर पर आनी ही आनी है, प्लस आप इसकी बुक मार्केट से भी खरीद सकते हो, वरना इसकी PDF ऑनलाइन अवेलेबल है। आई थिंक आजकल 16 या 17 वर्जन चल रहा है, तो आप पहली से लेके 17 और हर बुक में 4 टेस्ट है ही है हर मॉड्यूल के, तो आप लगा लो अगर है ना 16 पर आ गया तो नियर अबाउट 60-70 टेस्ट हो गए, जो कि मुझे लगता है सफिशिएंट है किसी के लिए भी अगर आप सीरियस होकर प्रैक्टिस करना चाहते हो। अब जो तीसरा मॉड्यूल आता है वो है रीडिंग, जो कि मुझे लगता है मतलब उसे सुनने में मुझे लगता है कि हाँ इजी है, ठीक है, बट उसमें है ना कोई छोटी छोटी गलती हो जाती है। ऑल दो है ना उसमें भी 40 में से आराम से है ना 32-33 पहले बार में आने लग गए थे, पर ऑब्वियस है कि अगर आपको उसमें 7 लाने हैं, पर हमारा टारगेट ये था कि हमें उसमें 7 नहीं लाने, हमें उससे ज़्यादा ही लेने, ताकि हमारा CRS स्कोर अच्छा बना रहे। तो हमने उसकी है ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है, वो स्पेशली इन्हीं बुक से की है, रेगुलर की है। और एक टेस्ट में अगर नंबर कम आ जाते थे तो उसमें जो मुझे लगता है कि आप ये देखो कि वो गलत क्यों हुआ क्वेश्चन, क्योंकि उसमें मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पैसेजेस, उतनी आपकी स्पीड और फ्लो बनेगा। और इसमें ये रहता है कि अगर आपने कोई आज एक टाइप का क्वेश्चन आज गलत किया है तो वो आपका कल भी गलत होगा, वो आपका परसों भी गलत होना ही होना है। तो आप इस पे ना फोकस करो कि गलत क्यों हुआ,
उसे सही करने का तरीका क्या है, आप सिर्फ उसी पे फोकस करो और आई एम श्योर कि आपका ना पक्के नंबर आने ही आने उसमें, बिल्कुल पक्के आने हैं। मैं वरना खुद दे दूंगा उसमें नंबर चढ़ा के, कोई टेंशन नहीं है। तो अब जो इसका लास्ट पार्ट बचता है और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है स्पीकिंग, जो ज्यादातर अलग दिन पर होता है, आपको पता ही होगा। और स्पीकिंग आजकल क्या है कि ना इंडिया में रहने की वजह से और स्पेशली पंजाब में रहने की वजह से, मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही था कि ना मैं इतना यूज टू नहीं था इंग्लिश बोलने में। ठीक है, दोस्तों के साथ कभी कभी बोल लेते थे, हॉलीवुड मूवीज भी देखते थे, बट ऑब्वियस है कि ना हर जगह पंजाबी या हिंदी चल रही है, तो आप इतने यूज टू नहीं होते इंग्लिश बोलने के, तो आपका वो फ्लो नहीं बनता। और जब आप बोलने की कोशिश करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है टंग स्लिप की। तो इसके लिए बेस्ट है कि आपको जब पता है अब आपने एग्जाम देना है एक महीने के अंदर, आप उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। छोटी चीजें इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बात करो, और कुछ नहीं समझ आता तो मिरर प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बेस्ट जी, बेस्ट। और जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहा हम दोनों के लिए, हमने एक बना लिया था कि एक बुक आती है मक्कड़ आइल्स, तो हमने वो बुक ली, दोनों ने अपनी अपनी बुक ली और हमने उसके पहले टॉपिक से चालू कर दिया। अब उसमें हमने ये नहीं किया कि हमने उसे पढ़ना शुरू किया, नहीं, हमने सिर्फ उसके क्वेश्चंस देखे, उसके है ना पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी देखा, और हमने उसमें खुद के आंसर्स लिखे बैठ के, क्योंकि आप किसी और का आंसर याद नहीं कर सकते। तो अगर आपको एक सिचुएशन दी गई है, आप इमेजिन करो कि आपके साथ वो अगर हुई है, नहीं हुई है, तो प्रिपेयर योर ओन आंसर। और द बेस्ट इज कि जो हमने किया था कि हमने अपने आंसर्स और स्टोरीज लिख लिए थे एक मिनट के हिसाब से, बिकॉज दे विल आस्क यू टू स्पीक फॉर वन मिनट। एक मिनट के हिसाब से अपने हमने उतने नंबर ऑफ वर्ड्स में अपना आंसर लिख के रखा था और हमने सेम चीज़ को ही रिवाइज किया बाद तक, तो बाय द टाइम ऑफ एग्ज़ाम हमको अपनी स्टोरी याद थी। अब अगर मेरे आगे कोई एग्जामिनर बोल देगा ये क्वेश्चन है, ये सिचुएशन है, मुझे पता है कि मेरे पास वो स्टोरी है, अब बस मुझे उसको स्टोरी सुनानी है। क्योंकि आप उस चीज़ को अपने आप को फील कर चुके हो, आप उस चीज़ में जा चुके हो, और हम उसे लिख के फिर एक दूसरे को सुनाते थे, एक दूसरे से पूछते थे भाई हाँ तो ये वाला क्वेश्चन है, हम टाइमर ऑन कर देते थे, फिर एक दूसरे को उसका पूरा एक मिनट तक सुनाते थे। लेकिन ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में आपको पूरा एक मिनट तक बोलते रहना है जब तक एग्जामिनर आपको खुद स्टॉप नहीं करता। अगर आप पहले रुक जाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि है ना इसमें जो है ना टिप्स हैं पूरे आयल्स में, सबसे ज़रूरी यही है कि स्पीकिंग के दौरान आप अपनी बुक खुद लिखो। टाइम नहीं है, आई नो नहीं मिलता, हम भी वर्किंग थे दोनों, हमें भी टाइम नहीं मिल पाता था, बट फिर भी हम कोशिश करते थे कि लिखने की, और हमने एक्चुअल में पूरी बुक लिखी हुई है। और इस चीज़ का फ़ायदा और एहसास मुझे सेकेंड टाइम तो बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब मुझे सिर्फ अपने आंसर्स रिवाइज करने थे। Easy peasy. Right, because I had all the material with me. मुझे सिर्फ रिवाइज करना है, दोबारा अपने दिमाग में लाना है, अच्छा ये हुआ था। और आपका फ्लो इतना तो बन चुका होता है, फिर आप बोल लेते हैं। जिनका नहीं बना उनके लिए सबसे बेस्ट वही है कि अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करो, अपने मिरर पे जाके बार बार बोलो बोलो बोलो, अपने किसी भी दोस्त को सुनाओ, अपने घर पे अगर मम्मा पापा किसी को भी सुनाओ, बेशक वो शायद आपको करेक्ट ना कर पाए, बट आपको इतना पता है कि आप टाइमर के साथ कैसे मैच कर सकते हो, तो आपकी एक प्रॉब्लम तो वहाँ सॉल्व हो जाएगी। और आप पॉजेज ले रहे हो, फंबल कर रहे हो, वो सब चीज़ें तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा अपनी रिकॉर्डिंग सुन के। और अगर आपको है ना कहीं से भी नहीं हो रहा और आप जॉब भी जा रहे हो, तो आप किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन से मदद ले सकते हो। आजकल तो बहुत सारी ऐप्स आती हैं, तो कहीं से भी जाके आप हेल्प ले सकते हो, पे करके कुछ भी कर सकते हो। तो आजकल तो वैसे हर चीज़ इतनी आसान हो चुकी है, हमारे टाइम तो फिर भी उतना कुछ नहीं था ऑनलाइन। तो आपकी आईएलटीएस जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। वी होप कि आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी और आपका ये एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर पाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं रिप्लाई करने में। आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो, रिप्लाई आपको वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन 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 सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब करने से ना एग्ज़ाम जल्दी पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप अपनी मेहनत करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि हमारी जो मेहनत है वो कुछ सफल हुई सफल है, हो और रही और है, मेहनत करने का हमें भी मन करे। हाँ, तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट में डालो, हम उसका रिप्लाई करेंगे, चाहे आईएलटीएस के रिलेटेड है, चाहे किसी भी मॉड्यूल के रिलेटेड है, चाहे कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के रिलेटेड है कि ये कैसे सॉल्व होगा, इसे अप्रोच कैसे किया जा सकता, कुछ भी हो आप उसे ना कमेंट करो, चाहे डीएम करो इंस्टाग्राम पे, यू विल गेट योर रिस्पॉन्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।